हेलो फ्रेंड्स, मैं चिक्यासु और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त जया गुरुकुल के ऊपर। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने वेबपेज के ऊपर इमेज को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, पीछे के ऊपर नए तो बच्चों को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम लोग बात करेंगे इमेज को कैसे हम ऐड करते हैं। इसमें बहुत कुछ है जिसे हम सीख सकते हैं। जैसे में हम लोग को ऐड अल्ट यूज़ करना होता है, हमें सोर्स यूज़ करना होता है। कई बार क्या होता है कि हमें पाथ को डिफाइन करना होता है, कई बार हमें इंटरनेट, हमें कुछ ऐसे फाइल्स को लाने पड़ते हैं जो कंप्यूटर्स में ही होते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ फाइल्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वहाँ से हमें उस इमेज को इम्पोर्ट करना होता है। ये सब कुछ मैं आपको सिखलाने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम चलते स्क्रीन के ऊपर, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भी आप देख सकते हैं, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आज मैंने स्टार्ट कर रखा है अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। इसको मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ या मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके देखता हूँ और ये डुप्लीकेट होता है या नहीं। ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा, मुझे क्या करना होगा, फिर से वैसे कॉपी करना होगा और इसे फिर से यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इसे रीनेम कर लेता हूँ। आज हमारा कौन सा है, डे 5। ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऐड करेंगे अपने स्पेस के साथ कुछ इमेजेस को। तो इमेजेस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि अभी मैं मेन बनाया था, इसके अंदर मैं एक इमेज को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं 6 लाइन में यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, IMZ। यहाँ पर मुझे एक मुझे यहाँ पर मिल रहा है सजेशन, मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए मुझसे सोर्स मांगा जा रहा है, तो मैं सोर्स में क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक फाइल बना हुआ है, तो मैं इस फाइल के अंदर अगर मैं कुछ इमेजेस रखा हूँ तो मैं उस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ IMAZE इमेज स्लैश। अब ये देखिए जैसे इमेज के अंदर, इस फाइल के अंदर जितने भी मुझे मैंने यहाँ पर फोटोज़ रखे हैं वो मुझे सब यहाँ पर शो कर रहा है। मैं आपको फिर से दिखलाता हूँ, ये देखिए ये सारे ये फोटो आपको दिख रहे होंगे। मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड सेलेक्ट किया, अब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे एक अल्ट को ऐड करूँ। मुझे यहाँ पे ज़रूरत है एक अल्ट को ऐड करने की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इमेज लोड ही ना ले, तो उस दौरान मुझे वो अल्ट वहाँ पर शो करेगा, तो मुझे तो पता नहीं इमेज किस चीज़ का है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, उसके बाद मैं देख कर बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं उस इमेज को देखूँगा और फिर मैं उसे के अल्ट को वहाँ पर लिखूँगा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ पहले ये इमेज किस चीज़ का है। तो अभी हमने डे 5 बनाया था और ये देखिए हमारा इमेज यहाँ पे लोड हुआ। ये देखिए ये बेसिकली इसमें एक गर्ल का पिक्चर होगा ये। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी भी साइज में बहुत बड़ा है, पर हमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ हम मैनेज करना सीख लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं, इसमें आते हैं और इसमें अल्ट में हम लिख देते हैं गर्ल। तो हमने गर्ल लिख दिया। अब बाय चांस ऐसा हो कि ये इमेज यहाँ पे लोड ही ना ले तो क्या होगा, तो चलिए हम ये भी करके देख लेते हैं। हम अपने इमेज के फाइल में आएंगे, इमेज के फाइल में आने के बाद ये जो पिक्चर है इसे कट कर लेते हैं और इसे हम लोग आके इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा इससे कि हमारा जो इमेज फाइल है यहाँ से तो मिसिंग हो गया। अब जैसे यहाँ से मिसिंग होगा तो हमारा जो पेज है वो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए इमेज हमारा मिसिंग दिखला रहा है यहाँ पे, ये इमेज अब वो करप दिखा रहा है, जबकि जो हमने अल्ट लिखा था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है उस इमेज की जगह पे। ऐसा कब होगा, जब हमने कोई इमेज का पाथ डिफाइन किया उस इमेज को वहाँ पर जब हमें ब्राउज़र हमारा ढूंढ नहीं पाएगा तो हमें वो करप्ट इमेज दिखलाएगा और अल्ट हमें वहाँ पर दिखलाएगा। तो हम चलिए अल्ट को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके आगे हम लोगों ने लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम इसे सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये फिर से हमें वही दिखला रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इमेज जो भी मैंने वहाँ से हटा दिया है उस इमेज को हम वापस इस फाइल के अंदर रख देंगे, तो ये देखिएगा फिर क्या होगा, इस फाइल के अंदर जैसे ही हम लोगों ने इसे रख दिया, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हमारा वो इमेज यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो
ये तो बात थी ऑफलाइन की, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड करने की, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो अभी अभी हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से पहले तो सोर्स को मैं डिलीट करूँगा और मैं आऊँगा इंटरनेट के ऊपर। तो ये अभी मैं आ चुका अपने चैनल के ऊपर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा चैनल, जिस चैनल के ऊपर अभी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना सब्सक्राइब तो करो यार। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैं वीडियोस में आऊँगा, इसके ऊपर आऊँगा और ये देखिए ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, आपको ये दिख रहा है ऑप्शन, आप इसके ऊपर आए, सॉरी ओपन इमेज इन न्यू टैब, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा ये इमेज एक न्यू टैब में खुल जाएगा। हम इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से, उसके बाद हम वापस अपने वेब पेज पे आएंगे, वापस हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आएंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अल्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़िया गुरुकुल, क्योंकि ये ज़िया गुरुकुल का इमेज है। तो ये हम लोगों ने ज़िया गुरुकुल लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वापस पेज के ऊपर आएंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको वो इमेज दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट के ऊपर से, ये मेरे फाइल में सेव नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर से इम्पोर्ट कर लिया गया है। तो ये फ़ायदा है, इस तरह से हम लोग इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक केस और आपके साथ बन सकता है, कई बार क्या होता है कि आप इतना बड़ा फाइल या फिर कोई बहुत बड़ा पाथ को यहाँ डिफाइन नहीं करना चाहते हो, जो इमेज फाइल अभी इमेज है वो इमेज फाइल के अंदर है, बाई चांस ऐसा हो कि ये इमेज फाइल आपके जो अभी जिसमें आपने day 1 day 2 जो फाइल बना के रखा है उसके अंदर ही हो, मतलब कि आपने जो आपका जो पेज है वेब पे index.html उसके अंदर ही आपने अपने इमेज फाइल को भी रखा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखलाता हूँ, मैं इस फाइल में आता हूँ, यहाँ से मैं एक इमेज को निकाल लेता हूँ बाई चांस, चलिए मान लीजिए मैं इस इमेज को यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैंने इसे यहाँ मूव कर दिया, यहाँ देखिए 4th.jpg। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, मुझे उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी मैंने क्या किया था, इमेज को पहले कॉल किया, इमेज फाइल को ओपन किया, उसके बाद मैंने स्लैश दिया, उसके बाद इमेज का मैंने नाम दिया, लेकिन मुझे अब इतना नहीं करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे सिंपली अगर 4th भी टाइप कर दूंगा तो 4th.jpg मुझे यहाँ पर दे देगा और मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँगा। मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके, ये देखिए ये इमेज यहाँ पे कॉल हो गया, पर ये इमेज बड़ा होने के कारण ये आपको पूरे आपके डेस्कटॉप में नहीं दिख रहा, ये आपको आउट ऑफ डेस्कटॉप दिख रहा है, पर मैं सब कुछ आगे आने वाले क्लासेस में मैनेज करके आपको दिखलाऊंगा। तो आई होप आपने इस क्लास को काफ़ी इंजॉय किया होगा। इस क्लास में इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।